के पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्म कश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करें। तो स्वागत है आप सबका द केवी सम्मेलन में, जहां ऐसे सारे दरियाओं की गहराई नापी जाएगी जो बाहर बाहर अच्छे अच्छे लगते हैं पर अंदर अंदर गंदले गंदले लगते हैं। ऐसे सब लोगों को यहां मंच पर बुलाया जाएगा, एक ऐसे मंच पर जहां हम और आप एक साथ आकर करते हैं मस्ती, ठाका और परिहास, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ केवी सम्मेलन में आपका स्वागत। फिर उसी घोषणा के साथ कि आप अनुचर हैं, सहचर हैं, भक्त हैं, अंधभक्त हैं, या अपने नेता और अपनी पार्टी के प्रति अनुरक्त हैं, लेकिन केवी सम्मेलन के इस मंच पर आप केवल और केवल देशभक्त हैं, आनंद भक्त हैं और हास्य भक्त हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ ताजा समाचार खबरों के नंबर वन चैनल आज तक पर, लेकिन उन समाचारों में मिक्स कर दिया है हमने अपना अचार। प्रधानमंत्री जी ने सिक्किम में देश के 100वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस पर खुशी जाहिर करते हुए बैंकों का लोन न चुका पाने वाले कुछ उद्योगपतियों ने कहा है कि जब दिल्ली से ललित मोदी, बेंगलोर से विजय माल्या और गुजरात से नीरव मोदी के भागने के बाद पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी ऐसी एक सुविधा बहुत जरूरी थी। पाकिस्तान के वजीर आजम कप्तान साहब, उन्होंने अपने देश के हित के लिए पीएम हाउस की तमाम लग्जरी गाड़ियां बिकवा दी। देश की तो बोली लगी रही थी, अब कारों की भी लग गई है, लेकिन अब वो देश हित में कारों से ना जाकर हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाएंगे। तेलंगाना के वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी, हाँ इतना लंबा नाम है, वे पिछले 270 दिनों से पदयात्रा पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने उनसे आग्रह किया है कि इस दौरान इस पदयात्रा में घिसी हुई चप्पलें वो कृपया दिल्ली भिजवा दें, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव होने ही वाले, आखिर वो दिल्ली की जनता को क्या पैर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि भाइयों और बहनों स्वच्छता ही सेवा है। इस पर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने कहा है फिर तो हमें देश का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाने के लिए पुरस्कार मिला। पूरी सफाई करके गए हैं। बीते दिनों भाजपा ने पेट्रोल के बढ़ते दामों का लेखा जोखा समझाने के लिए एक ऐसा ग्राफ ही ट्वीट कर दिया जिसमें 70 ऊपर था और 80 नीचे, यानी कि तबला ऊपर था और ये लड़की नीचे है। लगता है कि ये ग्राफ शायद उन्हीं महानुभाव ने बनाया है जिन्होंने गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल बनाया था। रजनीकांत, अन्ना और अब सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार, उनकी आने वाली फिल्म है 2.0, वो दुनिया की सबसे महंगी 10 फिल्मों में शुमार होगी, यानी कि हम भारतीयों के लिए चुनाव के बाद का सबसे बड़ा महंगा एंटरटेनमेंट तैयार हो रहा है। भारत के सेनाध्यक्ष जी ने कहा है कि शायद जल्द ही पाकिस्तान पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। अब पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान सरफराज अहमद को समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले हफ्ते जो शिखर धवन और रोहित शर्मा ने उनके साथ किया था वो क्या था। पाकिस्तान से यह खबर मिली है कि इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो क्रिकेट में वो लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हार रहे हैं उससे बौखलाकर हाफिज सईद, वही जिनके पीछे दिग्विजय जी लगा देते हैं, उन्होंने इमरान साहब को फोन करके किया है, मियां मुल्क तो हम लोग संभाल ही रहे हैं, आप लोग क्रिकेट देख लें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान के नए वजीर आजम कप्तान साहब, आई लव यू इमरान सर, क्या बात है, वाह। उन्होंने कहा है कि वे नवाज शरीफ की सब चीजें नीलाम करा देंगे और 8 भैंसें जरूर नीलाम। मुझे एक शेर याद आ गया कि सब कुछ लुटा दिया था तेरे प्यार में सितमगर,
सब कुछ लुटा दिया था तेरे प्यार में सितमगर, कुछ भैंस बच गई थी जो कल बेच दिए। तो आइए, अब वक्त है आज के गेस्ट ऑफ द डे का। हमारे आज के मेहमान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जब बोलते हैं तो भूकंप आ जाता है, और जब आंख मारते हैं तो विरोधी हिल जाते हैं।